सुंदर एपिसोड है कि जगत का संचालक कौन। भाई और बहनों, कई लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बाद बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यानी इस जगत को चलाने वाला ईश्वर है। पर यह देखा जाए कि ईश्वर अगर जगत को चलाने वाला है तो वह क्यों किसी के लिए बुरा बनेगा, क्यों किसी के लिए अच्छा बनेगा? क्योंकि ईश्वर तो एक संपूर्ण तत्व है, सभी इच्छाइयों का पुंज है। वह क्यों किसी के लिए अच्छा बुरा बन के राग द्वेष पैदा करेगा? तो यह भी एक अवधारणा है। लेकिन जो हमारी अवधारणा है वो हम बताना चाहते हैं कि जगत ऑटो मोड से चलता है, जगत स्वतः अपने साधनों से चलता है और वो शाश्वत है, वो इटर्नल है। जगत भूतकाल में था, आज है और भविष्य में रहेगा। ये छह अवयव है, छह सब्सटेंसेज है, छह तत्व है जो जगत का संचालन करते हैं। और जहाँ पर ये छह तत्व होते हैं वही जगत होता है। जगत का अर्थ होता है ब्रह्मांड, कॉस्मोस, सृष्टि, दुनिया, पृथ्वी, एनवायरनमेंट और वर्ल्ड, और भी बहुत से नाम हो सकते हैं, जिसमें 7 अरब की जनसंख्या के लोग निवास करते हैं। और पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तृष काय, षट जीव निकाय निवास करती है। वह सुख दुख की अनुभूति करके कर्मों का भोग करते आनंद से जीती है। एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, त्रिएंद्रीय, चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, 5 इंद्रिय के जीव यहाँ निवास करते हैं। और नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, ये 4 गतियाँ ही निवास करती है। और अगर हम मोक्ष को माने तो वहाँ भी वह भी इस जगत में है, वह सिद्धशिला में है। मोक्ष का जो टॉप स्थान है वह सिद्धशिला में है, उसके परे सारा लोक है। अलोक में जीवन नहीं है। आजकल वैज्ञानिक लोग स्वयं कह रहे हैं कि चंद्रमा की हमने यात्रा की लेकिन अभी तक वहाँ पे जीवन पुष्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे ऑक्सीजन है भी नहीं भी, अभी उसकी रिसर्च चल रही है, खोज चल रही है। मंगल ग्रह में जीवन है ऐसा कहा जाता है लेकिन स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। अभी तो स्पष्टतया ये जगत हमारी पृथ्वी पर ही है और ये जगत जो है ऑटो मोड से 6 जीवों 6 तत्वों से बना हुआ चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। यही हमारे सनातन सत्य की, जगत की अवधारणा है। अब वो 6 तत्व कौन से हैं, क्या कार्य करते हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, क्या रोल है उनका, सब एक एक करके हम बता के आपको बताएंगे कि जहाँ 6 तत्व मौजूद है वही जगत है, इसमें से एक भी तत्व मौजूद नहीं है तो वह जगत नहीं है। इसीलिए 6 तत्वों की मौजूदगी, 6 तत्वों के समवाय, 6 तत्वों के ग्रुप को ही हम जगत कहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी जगत की जो है वह संचालन की व्यवस्था है। 6 तत्व ही ऑटो मोड से, ऑटोमेटिक सिस्टम से संचालित होते हैं, करते हैं, और हमको वो 6 तत्व एनी टाइम एनी वेयर जगत के अंदर मिलते हैं। भूत भविष्य वर्तमान में ऐसा कोई समय नहीं आता है जगत के अंदर कि ये 6 तत्व नहीं होते हैं, 5 ही होते हैं, ऐसा समय नहीं आता। 6 के 6 रहते हैं, ऑटो मोड से, ऑटोमेटिक तरीके से संचालन होता है। कोई बाहर की एजेंसी, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बाहर का भगवान, कोई बाहर की टेक्नोलॉजी इसका संचालन नहीं करती है। पहला तत्व है हमारा जीव तत्व, जिसको हम एनिमेट कहते हैं। जीव का मतलब जो है वो जीवन रखने वाला, आत्माधारी, सजीव। जीव हम किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं, कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा चेतना कहा जाता है। वो सुख दुख की अनुभूति करते हैं और उनमें फीलिंग होती है, उसमें ग्रोथ होती है
और उसके अंदर जो है प्रजनन होता है, नौ करैक्टरिस्टिक हमारे धार्मिक ग्रंथों में जीव की आत्मा की बताई गई है और उन्होंने 23 नाम कुल इसके दिए। सबका भावार्थ एक ही है, कॉन्शियसनेस, जिसको विज्ञान भी मानता है। विज्ञान भी इस नौ करैक्टरिस्टिक से सहमत है, इसीलिए 6 तत्व भी विज्ञान द्वारा सहमत है, अप्रूव्ड है। इसीलिए विज्ञान कहिए आध्यात्म कहिए, दोनों ने जगत के संचालन को, जगत के नियंता को, जगत के प्रोसेस को मान्य किया है। इसीलिए सनातन सत्य कहा गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है, अल्टीमेट रियलिटी कहा गया है। तो भाई और बहनों, और यही कुदरत है, और यही कुदरत का संचालन था तत्वों से होता है और कुदरत के कानून के तहत होता है। कुदरत इसकी माँ है, कुदरत इसको संचालित करने वाली, और 6 तत्व स्वयं कुदरत है। तो भाई और बहनों, पहला तत्व हो गया हमारा जीव, जिसको एनिमेट कहते हैं। दूसरा जीव इन एनिमेट, पुद्गल, जड़। जड़ वह होता है जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धर्मा है। हमारे सारे वैज्ञानिकों ने, भौतिक वैज्ञानिकों ने 116 तरह के तत्व अभी तक खोज निकाले हैं और खोज जारी है।